सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका, तो आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 15 और वर्ग 3 के लिए है। तो आप अपनी हिंदी की किताब निकालेंगे, कॉपी और पेंसिल निकालेंगे और मैं आपको अभी पाठ 15 में जो प्रश्न उत्तर बचा हुआ उसको मैं आपको बताऊंगी और बात भाषा की भी बताऊंगी। तो पाठ 15 में हम लोग पढ़े थे चतुर गिरधर यानी कि चालाक गिरधर। तो आप अपनी किताब निकाल लिए होंगे और आप ये जो मजेदार बहुत अच्छी एक कहानी है गीदड़ कछुआ और मगरमच्छ की, उसको हम लोग पढ़े थे। और उसमें पढ़े थे कि गीदड़ जो था वो क्या था, बहुत चालाक था और मगरमच्छ गीदड़ को खाना चाहता था, लेकिन गीदड़ जो था वो मगरमच्छ की चाल में चालाकी में नहीं आ रहा था और वो अपने होशियारी से हमेशा मगरमच्छ से बच निकलता था। एक बार कछुआ और मगरमच्छ दोनों मिल करके एक योजना बनाए थे और उसमें क्या था कि मगरमच्छ जो था वो झूठ मूठ का मरने का नाटक किया। क्यों? क्योंकि उसे गीदड़ को खाना था, लेकिन गीदड़ वहां भी अपनी चालाकी दिखाई और मरते मरते वो बचा। तो इस कहानी से आप यही सीखे कि हमें हमेशा अपने अक्ल से काम लेना चाहिए, अंत अंत समय में भी अपनी होशियारी दिखलानी चाहिए। तो इसमें आप प्रश्नों के उत्तर आपको मैं HW में भेज दी थी और यहाँ पर आपका है, ये है उसमें जो पांच प्रश्न 5 से बचा हुआ है कि जो बचा था उसको मैं अभी बता रही हूँ। पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे कि आप परीक्षा में देखते हैं आपको प्रश्न दिया रहता है पठित गद्यांश और पठित पद्यांश यानी कि कविता और कहानियां, और उसको पढ़ करके और उसमें से प्रश्नों को उत्तर लिखना रहता है। तो उसी तरह से आपका ये है जो चतुर गिरधर पाठ 15 में आपका ये है, जिसको पढ़ करके आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मगरमच्छ और कछुए में मित्रता नहीं थी, वह तो उसे से डरता था। कछुए को भी तालाब में ही रहना था, इसलिए उसने मगरमच्छ की मदद की। यानी कि कछुआ जो था उसको मगरमच्छ से दोस्ती नहीं था, लेकिन उसको कहाँ रहना था, पानी में रहना था, इसलिए वो डर के मारे मगरमच्छ की मदद की। फिर आगे क्या है, कछुआ गीदड़ को फुसलाकर ले आया। कहानी में पढ़े थे ना कि कछुआ जो था वो गीदड़ को फुसला करके ले आया था कि मेरा दोस्त मर गया है, चलो उसके ऊपर कुछ पत्ते डाल दे और नहीं तो मगरमच्छ कछुआ को ही खा जाता। मगरमच्छ कछुआ से बोला था कि गीदड़ को मारने का कोई अच्छा सा उपाय बताओ, समझे? तो यही है, नहीं तो अगर नहीं लाता कछुआ मगरमच्छ को, कछुआ जो था वो गीदड़ को फुसला करके नहीं लाता तो मगरमच्छ क्या करता, वो कछुआ को ही खा जाता, क्योंकि वो बहुत भूखा था इसलिए मजबूरी में उसको उसकी सहायता करनी पड़ी। नहीं तो मगरमच्छ कछुआ खाया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना ठीक नहीं। अब आगे आपका प्रश्न का उत्तर इसी तरह से आपको पठित गद्यांश कहानी में रहता है कि कछुए ने मगरमच्छ की मदद क्यों किया। बताइए आप प्रश्न का उत्तर सोच के, कछुए ने मगरमच्छ की मदद क्यों की। यहाँ से दूरिए, कछुए को भी तालाब में ही रहना था इसलिए उसने मगरमच्छ की मदद की। तो आपका प्रश्न है कछुए ने मगरमच्छ की मदद क्यों की। तो कछुए ने मगरमच्छ की मदद इसलिए की क्योंकि उसे भी तालाब में ही रहना था। यहाँ पर लिखेंगे हम कछुए ने मगर मच्छ मगरमच्छ की मदद इसलिए कि लिए कि क्योंकि क्योंकि
उसे भी तालाब में ही रहना था। अगला प्रश्न है, क्या किसी से डर करके सच्ची मित्रता हो सकती है? कैसा हो सकता है? किसी आपसे आप डरोगे तो आपसे उससे दोस्ती होगी? कभी नहीं हो सकती। तो किसी से डर करके सच्ची मित्रता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, ये आपके मन की बात लिखना है कि क्या किसी से डरते हो तो उसे दोस्ती करोगे? कभी नहीं करोगे। तो ये आंसर है, किसी से डर कर सच्ची मित्रता नहीं हो सकती है। किसी से डर करके सच्ची मित्रता नहीं हो सकती है। आगे आपका प्रश्न है, कछुआ मगरमच्छ की मदद ना करता तो क्या होता? कछुआ मगरमच्छ की मदद ना करता तो क्या हो जाता? तो मगरमच्छ कछुए को ही खा जाता। तो यहां पर इसका आंसर होगा, कछुआ मगर मच्छ की मदद कछुआ मगर मच्छ की मदद ना करता तो मगरमच्छ 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 कछुआ को ही खा जाता। तो ये आपका हो गया प्रश्नों का उत्तर। अब यहां पर आपको क्या करना है, दो शब्दों का अर्थ लिखना है। शब्दों का क, ख, ग, और यहां आपका हो गया घ, जिसमें लिखना है शब्दों का अर्थ, जिसमें था कि आपको मित्रता है, एक है आपका मित्रता, दूसरा है मदद। मित्रता और दूसरा है इसका हो जाएगा, इसके बाद है मदद। दोनों शब्दों का अर्थ निकला है। अब इसमें से आपको देखिए कि मित्रता यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मित्रता, इसका अर्थ लिखना है यहाँ। और देखिए मदद कहाँ है इसमें, ये है मदद आपका। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना। इसी तरह से आपका जो परीक्षा जो अभी होने वाली है फाइनल, उसमें इसी तरह से शब्दों का अर्थ भी लिखना है, और उसमें देखना है कि कैसे कैसे हम प्रश्न बनाए उसको समझ करके लिखना है। तो इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं, किसी तरह से आपको पद्यांश रहेगा, उसमें शब्दार्थ लिखना है, विलोम लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है, उसी में से शब्द ढूंढ करके आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ मित्रता का क्या होगा, दोस्ती दोस्ती। मदद का क्या होगा, सहायता, किसी की सहायता करना, इसका अर्थ हो जाएगा आपका हो गया सहायता। तो दोनों शब्दों का अर्थ आपको हो गया। तो ये आपका हो गया ये वाला प्रश्न संख्या 5 हो गया। अब आगे आपको ये हो गया, अब यहाँ पर सही उत्तर के सामने सही का टिक लगाना है। तो देखिए मगरमच्छ और कछुआ कहाँ बातचीत कर रहे थे, तो क्या का झील के किनारे, तालाब के, नदी के किनारे, तो तालाब के किनारे था। आपको हम इसका ये मैं आपको भेज चुकी हूँ, सिर्फ आपको ये बच गया था, और बात भाषा की बच्चे जिसको देख लेते हैं, ये है आपका बात भाषा की में है, पाठ से चुनकर 5-5 संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपको लिखना है। पाठ को पढ़ना है, वहां से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को चुन करके आपको इसमें इसमें लिखना है।
फिर आपका यह वाक्य पढ़ो और रंगीन शब्दों के लिंग लिखो। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है। और ये मछलियां स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, देखिए यहाँ पर करके आपको लिख करके बताया है, लिंग मछलियां स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर मगरमच्छ का मुंह बहुत बड़ा था, आपको सोचिए कि मगरमच्छ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वो जो होगा उसको आपको यहाँ लिखना है, इसको मैं वीडियो भेजूंगी। नदी कलकल स्वर में गाती, और नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सोचिए और इसको आप लिखना है आपको। तालाब में बत्तखें तैर रही थी, देखिए रही थी, गाती है, और इस सबको आपको पकड़ना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसमें आपको लिखना है। एक वचन से बहुवचन बनाओ, यहाँ आपको एक बता दिए है, उसी तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर यहाँ देखिए, आंख का है आंखें और नदी का है नदियां, एक वचन से बहुवचन, एक रहेगा तो एक वचन और एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन। और चाल का चाले, बात का बाते, रात राते, इसको और इसको आपको खुद से लिखना है, इसको बता दी, इसको आपको लिखना है। फिर देखिए, वाक्यों के सामने दिए गए क्रिया शब्दों से सही क्रिया शब्द बनाओ और खाली स्थान भरो। और आपको देखिए यहाँ भागना लिखा है और इसमें आपको वाक्य लगाना, मछलियां इधर उधर भागना लगी, क्या होगा, भागने लगी, क्रिया शब्द है, इसको सही क्रिया बनाना है जो इस वाक्य में आपको लगेगा। जैसे मछलियां इधर उधर भागना है, भागना नहीं होगा, भागने लगी, मगरमच्छ को देख करके मछलियां इधर उधर भागने लगी। आगे देखिए, गीदड़ तालाब पर पानी डैश नहीं आया, तो क्या होगा, पीना नहीं आया, पीने नहीं आया। गीदड़ तेजी से जंगल में डैश गया, यानी भागना, भागने, मगरमच्छ डैश का बहाना बना रहा था, मरना का नहीं, मरने का, मगरमच्छ गीदड़ की चाल में डैश ही गया, आ ही गया। तो ये आपका हो गया, तो यहाँ तक आपको लिख लेना है, बता दिए इसको, फिर मैं आपको गृह कार्य में भेजूंगी। इसी के साथ आपका जो पाठ 15 समाप्त होता है, फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलती हूँ, धन्यवाद।